AP7 न्यूज नवादा। पत्नी के प्रेम प्रसंग में हुई थी गौतम की हत्या, पत्नी समेत दोनों हत्यारा गिरफ्तार। किराए के मकान दिखाने के बहाने घर से बुला पत्नी के प्रेमी ने किया था गौतम की हत्या। 3 सप्ताह पूर्व चंडीपुर ग्रामीण गौतम गुलहरान पथ पर एक नवनिर्मित मकान में गोली मार की गई थी हत्या। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सौर पंचायत के चंडीपुर ग्रामीण गौतम कुमार की हत्या मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत उसके प्रेमी व एक अन्य हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ ही गौतम हत्याकांड नया मोड़ ले लिया है। घटना 3 सप्ताह पूर्व 6 सितंबर को वारिसलीगंज खरांट पथ पर थाना क्षेत्र के चंडीपुर गांव के सामने ममता पेट्रोल पंप के समीप एक नवनिर्मित मकान में की गई थी। इस बाबत गुरुवार को वारिसलीगंज थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पकरी ब्रावा SDPO महेश चौधरी ने बताया कि 6 सितंबर 2023 की शाम चंडीपुर ग्रामीण राम प्रवेश सिंह का 25 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार की हत्या फ्लिपकार्ट के ऑफिस खोलने के लिए किराए का मकान देखने के क्रम में 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर कर दिया था। तब मृतक के पिता ने गांव के ही 2 लोगों को आरोपित करते हुए जमीनी विवाद को वजह बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बीच पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के निर्देशन में पकरी ब्रावा SDPO महेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में जिला आसूचना कार्यालय के अधिकारी, वारिसलीगंज थाना अध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा एवं महिला SI रूपा कुमारी के साथ एक टीम का गठन किया गया जो मामले की गहनता से जांच करते रही। इसी क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जो बात सामने आई उसके तहत छापेमारी की गई। बुधवार को पुलिस ने अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के लारी गांव निवासी श्याम किशोर शर्मा का 25 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार तथा उसी गांव के नंदकिशोर कुमार का 24 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से घटना में शामिल एक लोडेड देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक ब्लू रंग की अपाची बाइक समेत 3 एंड्रॉइड फोन तथा एक अन्य ग्लैमर बाइक जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान मृतक गौतम की पत्नी गया जिले के वेला थाना क्षेत्र के महाबतपुर निवासी श्याम नारायण शर्मा की 25 वर्षीय पुत्री मिक्की कुमारी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने गौतम कुमार की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। क्या है हत्या का कारण? अरवल जिले के कुर्था थाना के लारी ग्रामीण श्याम किशोर शर्मा का पुत्र मनीष ने गौतम हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कहा कि करीब 1 वर्ष से मृतक की पत्नी मिक्की कुमारी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस क्रम में दोनों प्रेमी के बीच टेलीफोनिक बातचीत में गौतम बाधा बन रहा था। फलतः मनीष ने अपने प्रेमिका के पति गौतम को रास्ते से हटाने के तहत प्लानिंग कर फ्लिपकार्ट का ऑफिस खोलने के बहाने गौतम को उसके ही ग्रामीण अरविंद सिंह के खरांट पथ पर ममता पेट्रोल पंप के पास नवनिर्मित मकान को किराए पर लेने को लेकर दिखने के बहाने 6 सितंबर 2023 की शाम में बुलाकर उसी भवन में गोली मारकर भाग निकला था। वर्ष 2016 में हुई थी गौतम की शादी। पत्नी के प्रेमी के हाथों मारा गया सौर चंडीपुर ग्रामीण गौतम की शादी वर्ष 2016 में गया जिले के बेला थाना के महाबतपुर निवासी श्याम नारायण शर्मा की पुत्री मिक्की कुमारी के साथ हुई थी। शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से यथासंभव तिलक दहेज देकर हुई थी, परंतु शादी के 7 वर्षों बाद भी मिक्की माँ नहीं बन पाई थी। इसी बीच उसकी दोस्ती हत्यारा प्रेमी मनीष से हो गई थी, जो रिश्ते में मिक्की का ममेरा भाई भी लगता था। फोन करने में पति को बाधा महसूस करते हुए मिक्की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लानिंग के तहत गौतम की हत्या करवा दिया। नवादा से सुरेश राय की रिपोर्ट। साइकिल से फरार हो गए। कांड में मृतक की पत्नी कुमारी मिक्की कुमारी, पिता श्याम नारायण शर्मा, साकिन महम्मदपुर पोस्ट कोयरी बीघा थाना बेला जिला गया की संलिप्तता को देखते हुए उसे भी गिरफ्तार किया गया है।